प्रतिक्रिया ये है, प्रतिक्रिया की घोषणा तो केवरा कितनी होली खुद इसके, जैसे प्रधानमंत्री जो 2000 रुपये करे थे, इधर इसने भी करे थे कि खट्टर ने, खट्टर साहब ना, कि भाई 6000 रुपये मैं भी सालाना दूंगा बीमा काट के, कुछ ना ना तो बीमा कट रहे ना, ऐसे बीमा फसला हो जाए उसका क्या मिलता नहीं। महाराज लड़के के गेहूँ झड़ गए थे, बीमा कट गया और उसका कुछ मिला नहीं उसने, ये घोषणा तो नहीं होती रहने का कुछ नहीं मिला। अच्छा फिर रही बात ही भी 20 लाख करोड़ कहे से भाई वो पैकेज दिया, हमने तो नहीं भरा 20 लाख करोड़ कित गया, अगर भाई लोन ले लो, लोन लेना तो हमने फिर हमने क्या मिला लोन में, लोन तो हमने फिर भरना पड़ेगा, जी नुकसान हमारा फसला का हो लिया, इसका हमने क्या मिला उस हम भरा है कितने फिर, ये बात है। उसकी घोषणा घोषणा जमीन पर हो ना कि तुम्हें फायदा होगा, भाई यहाँ पर जमींदार को मिल रही है घोषणाएं, खाली घोषणाएं का काम, घोषणा तो घोषणाएं रह जाए फिर। तो आप संतुष्ट नहीं है? मैं इससे संतुष्ट कैसे हूँ, जब हमने कुछ नहीं मिला संतुष्ट कैसे होंगे बताओ आप, कुछ मिलता तो फिर तो संतुष्ट होते नहीं। ये तो कही है कि हम 50 से 83% लागत का ज़्यादा देंगे, अब देंगे जब मिल गया तो फिर हम कह दें भी हम मिल गया हमने, नहीं तो नहीं मिल रहा था, हमने तो घोषणा घोषणा दिखाई भी था, हमने झूठ ला गया कहती सारी, और वही जो घोषणा पहले होगी वह लागू नहीं हुई, इसी यह लागू होगी। ऐसा जी सरकार की घोषणाएँ तो ठीक है, 14% जो फसलें हैं इन पर 50% से 83% की जो बढ़ोतरी देने की गवर्नमेंट ने बात कही है, अगर जो ये वाकई में मिलती है अफसर से आई के इसमें झांसे में नहीं रह जाती तो बहुत बेनिफिट होगा किसानों को और किसानों भर जाएगा इससे। अच्छा जी ये जो और लोन माफ़ करने की लोन की कही है टिकाने की, अगर माफ़ कर देते तो बहुत बढ़िया होता, लेकिन फिर भी ये तारीख लगाई है ये भी ठीक है, कुछ ना कुछ राहत मिलेगी क्योंकि किसानों ने कुछ तो फसल पहले बर्बाद हो रही हैं, कुछ ये भी थोड़ा सा ये लॉकडाउन की वजह से किसान नीचे जा रहा है कुछ बनेगा, तो हम तो ये वैसे घोषणा तो बहुत बढ़िया बता रहे हैं किसान के, बाकी जो और आगे देखेंगे। हाँ जो सरकार ने जो भी ये अनाउंसमेंट की है ये फार्मर के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि अभी जो है ना कि फार्मर की जो है प्रोडक्शन कॉस्ट जो भी किसी भी क्रॉप पे है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और इसमें फार्मर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा जो भी गवर्नमेंट ने ये एक्स्ट्रा बढ़ा के बेनिफिट जो भी फार्मर तक ट्रांसफ़र करने का जो भी गवर्नमेंट का एजेंडा है कि 2022 तक उनकी आय को दोगुना करना है, ये उसमें बहुत ज़्यादा मदद करेगा। और जो भी एक और है कि लोन के जो मोरेटोरियम जो 3 महीने की एक्सटेंशन दी है वो एक बहुत अच्छी बात है, वो माफ़ नहीं किया वो एक अच्छी बात है, उसको आगे बढ़ाया बस, और हम ये चाहेंगे कि एज ए किसान के आपको थोड़ा सा एक्सटेंशन और दे दे ताकि किसानों पर इसका बर्डन कम पड़े कर्ज माफ उसका कर्ज का, और माफ़ ना करे बेसिक मोरेटोरियम और थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे दे तो उनको किसानों को इससे बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा आगे आने वाली फसलों के लिए।